हेलो एवरीवन, आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। लेट ए बी सी इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। सपोज दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी इक्वल्स टू जीरो एंड एंगल बिटवीन यहां पे चाहिए था बी एंड सी, यहां पे मैं लिख देता हूं बी एंड सी इज पाई बाय सिक्स मतलब 30 डिग्री। सो चार ऑप्शन में से हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि ए बी सी ये यूनिट वेक्टर है, उसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है और एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, पाई बाय सिक्स मतलब 30। सो अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है ये परपेंडिकुलर है बी को, और साथ में दिया है ए डॉट सी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ये होगा कि ए इज परपेंडिकुलर टू सी, राइट। तो इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली अगर शो करते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि समझो अगर ये वेक्टर बी हो जाता है और अगर ये वेक्टर सी है तो बी सी को परपेंडिकुलर ये रहेगा वेक्टर ए, राइट। दिस वन ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। तो डायग्राम से हमें क्लियर हो जाता है कि इस केस में ए वेक्टर जो है इट इज अ प्रोडक्ट और वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो थर्ड वेक्टर होता है और वो जो तीसरा वेक्टर होता है वो बी और सी मतलब दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर ए बार इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी का मीनिंग क्या होगा? बी क्रॉस सी का मीनिंग होता है वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, दैट इज बी क्रॉस सी गिव्स ए वेक्टर। लेकिन अब अगर मैं सी क्रॉस ए अगर लिखता हूं तो हमें क्या मिलेगा? सी क्रॉस ए। तो राइट हैंड थंब रूल की मदद से ये रहेगा ए वेक्टर। मतलब यहां पे क्या दोनों पॉसिबिलिटीज है कि बी क्रॉस सी या फिर सी क्रॉस, मैंने गलती से ए लिख दिया यहां पे, सी क्रॉस बी चाहिए था। दोनों भी केस में वेक्टर ए जो है वो बी और सी को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं, हियर इट इज ए। सो ए बार को मैं लिखूंगा यहां पे माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। सो देयरफॉर वी कैन राइट ए बार कैन बी रिटन एज प्लस माइनस बी क्रॉस सी। एक तो प्लस या फिर माइनस डिपेंड करता है कि बी क्रॉस सी है या फिर सी क्रॉस बी है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप लोग देखते हो तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि हमें बी क्रॉस सी लेना है या फिर सी क्रॉस ए लेना है, बट दोनों भी केस में ए जो है वो बी और सी को परपेंडिकुलर होता है जैसे हमने यहां पे मेंशन किया है। तो अब हम लोग इसी के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नाउ हमने लिखा था ए बार इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी क्रॉस सी, राइट। बट वॉट इज बी क्रॉस सी? बी क्रॉस सी हम लोग यहां पे लिखेंगे, बट बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज बी सी साइन थीटा, और हमें पता है कि बी और सी क्या यूनिट वेक्टर है। सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और एंगल बिटवीन बी और सी दिया था हमें 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2, राइट। दिस इज सिंपली बी क्रॉस सी, ओके। सॉरी यहां पे ये मैग्नीट्यूड रहेगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। नाउ हम लोग अभी ए को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे। सो नाउ सबसे पहले तो हमें ए वेक्टर क्या है ये पता होना चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन में वापस चलते हैं तो यहां पे दिया है ए बी सी इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब एक बार जो है वो यूनिट वेक्टर है और ए की वैल्यू कितनी है? बी क्रॉस सी। तो याद रखो कि अगर कोई भी अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इट इज बी क्रॉस सी, राइट, डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। और दोनों यहां पे पॉसिबिलिटीज है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, लेकिन मॉड हमने फाइंड कर लिया है। यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा एज ए बार इज यूनिट वेक्टर, ये यहां पे स्पेशल केस थी जो हमें समझना जरूरी था। सो प्लस माइनस बी क्रॉस सी मैं एज इट इज लिखता हूं और मॉड की वैल्यू है 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बार इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा यहां पे प्लस माइनस 2 times बी क्रॉस सी। तो चलो इसको सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्लस के लिए वैल्यू, तो हियर इट इज प्लस 2 times, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, ये एक वैल्यू हो गई। और दूसरी वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं यहां पे माइनस वाली, तो ए बार इक्वल्स माइनस ऑफ 2 times बी क्रॉस सी, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो ए की दो वैल्यू है, तो एक बार मैंने प्लस के लिए लिखा और दूसरी बार माइनस के लिए, तो और मैं यहां पे कर देता हूं। सो माइनस अगर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं तो हमें मिलेगा सी क्रॉस बी। तो इस तरह से हमें ए वेक्टर की दो वैल्यू मिलती है। ऑप्शन में अगर चलते तो देखो क्या होगा,
ऑप्शन में बी ऑप्शन है टू टाइम्स बी क्रॉस सी, और सी ऑप्शन यहाँ पे टू टाइम्स सी क्रॉस बी, जो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट होते हैं।